ये कहानी मार्टिन नाम के एक बूढ़े आदमी के ऊपर आधारित है, जिसे एक गैमा नाम की खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ पलंग तोड़ने की कोशिश करता है। अब क्या मार्टिन गैमा को घोड़ी बना पाएगा, आइए इस कहानी में जानते हैं। इस मूवी की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखें। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है मार्टिन नाम के एक बूढ़े आदमी को दिखाते हुए, जो फ्रांस के एक छोटे से गांव में अपनी बेकरी चलाता है। अब आगे मार्टिन से हमें पता चलता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसकी डैड की बेकरी थी, इसलिए तब से वो अपनी वाइफ के साथ इसी बेकरी को चला रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्टिन जब ब्रेड बना रहा होता है तब उससे ब्रेड थोड़ी सी जल जाती है। अब उसकी वाइफ के पूछने पर वो बताता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था कि कहीं वो आत्महत्या ना कर ले, लेकिन उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इसके बाद मार्टिन चार्ली के घर पर जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ गैमा का सामान जला रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। तभी चार्ली किसी काम से घर के अंदर चला जाता है और तब मार्टिन को वहाँ पर गैमा की डायरी मिलती है जिसको वो अपने पास रख लेता है। इसके बाद घर पर आकर मार्टिन उस डायरी को पढ़ने लगता है और फिर यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। अब यहाँ पर हम उस दिन को देखते हैं जिस दिन चार्ली पहली बार अपनी पत्नी गैमा के साथ इस गांव में रहने के लिए आया था, ताकि वो दोनों अपनी बाकी की जिंदगी यहाँ पर आराम से निकाल सके। अब अपने गांव में नए लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास जाता है और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। अब इसके कुछ ही दिनों बाद गैमा और चार्ली मार्टिन की दुकान पर ब्रेड खरीदने जाते हैं और तभी वहाँ पर मार्टिन गैमा को देखता है और वो उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद मार्टिन जब अपने घर पर जा रहा होता है तब बीच रास्ते में उसकी मुलाकात एक बार फिर से गैमा से होती है। अब यहाँ पर मार्टिन उसे एक सुंदर सा गार्डन दिखाने के लिए लेकर जाता है जिसको देखकर गैमा को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद उसी रात चार्ली मार्टिन के घर पर आता है और उसे कहता है कि उसके घर की लाइट चली गई है, इसलिए मार्टिन उसके साथ उसके घर पर जाता है और लाइट सही कर देता है। तभी वहाँ पर मार्टिन की पत्नी भी आ जाती है और फिर ये चारों मिलकर दारू पीते हुए बातें करने लगते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्टिन तो बस लगातार गैमा को ही ताड़ रहा था और साथ ही साथ उसे ताड़ते हुए इमेजिनेशन में उसे घोड़ी भी बना देता है। खैर अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन गैमा मार्टिन की बेकरी पर आती है। तब वहाँ पर मार्टिन उससे पूछता है कि क्या तुम देखना चाहती हो कि मैं इस ब्रेड को किस तरह से बनाता हूँ। गैमा हाँ बोल देती है। फिर मार्टिन उसे पीछे वाले कमरे में ले जाता है जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। फिर जब गैमा ब्रेड बनाने लगती है तब मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। इस पर गैमा उसे कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं योगा कर रही हूँ। अब उस कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी थी इसलिए गैमा को भी गर्मी लगने लगती है, वो अपना स्वेटर उतार देती है। अब गैमा को ऐसा देखकर मार्टिन का हथियार पैंट फाड़कर बाहर आने को हो रहा था। वो गैमा को लगातार देखता रहता है और फिर उसके जाने के बाद गैमा को सोचकर अपनी हाथ की गाड़ी चला देता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि मार्टिन और उसकी वाइफ चार्ली और गैमा के दोस्तों के साथ लंच कर रहे होते हैं। इसके बाद जब गैमा अपनी दोस्त का घर देख रही होती है तब उसकी दोस्त उसे बताती है कि लड़कियों को हमेशा अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, अपने फिगर को टाइट रखना चाहिए, इसलिए वो हर रोज एक्सरसाइज करती है। अब उसकी ये बात गैमा को भी सही लगती है इसलिए वो भी अगले दिन से एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। इसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं जिसकी मुलाकात रास्ते में गैमा से होती है। वहाँ पर मार्टिन उससे पूछता है कि तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो। तब गैमा उसे कहती है कि वो डाइटिंग पर है इसलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिया है। अब ये बोलकर गैमा वहाँ से जा ही रही होती है पर तभी अचानक से उसकी पीठ पर एक कीड़ा काट जाता है जिस वजह से गैमा को काफी तकलीफ होने लगती है और वो जोर से चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि मेरी पीठ में से इस कीड़े को बाहर निकाल दो। अब मार्टिन उसके पीछे से उसकी ड्रेस में हाथ डालता है और अच्छे से देखकर गैमा को कहता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काटा है इसलिए मुझे उस जहर को चूस कर बाहर निकालना होगा। अब गैमा उसे कहती है कि मुझे बता क्या रहे हो, जल्दी से चूस कर जहर को बाहर निकालो। अब मार्टिन बिना समय गवाए उसकी पीठ को अपने होठों से चूसने लगता है और जहर को ऐसे बाहर निकाल रहा होता है कि जैसे वहाँ से उसका दूध पी रहा हो। खैर तभी वहाँ पर नील नाम का एक लड़का आ जाता है और वो मार्टिन से पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है। अब मार्टिन उसे सारी बात समझा ही रहा होता है कि तभी गैमा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब ये देखकर नील और मार्टिन उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर कहते हैं कि अब डरने की कोई भी बात नहीं है। इसके बाद जब ये वापस घर जा रहे होते हैं तब गैमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सो जाती है जिससे मार्टिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे लगने लगता है कि गैमा भी उसे पसंद करने लगी है। फिर अगले दिन जब मार्टिन अपनी दुकान के बाहर खड़ा होता है तब वहाँ पर वो गैमा और नील को बातें करते हुए देखता है।
अब मार्टिन उन दोनों को देखकर ये सोचने लगता है कि जल्दी ही इन दोनों का अफेयर होना शुरू हो जाएगा। फिर अगले दिन जब गेमा सुपरमार्केट से वाइन खरीद रही होती है, तभी उसकी मुलाकात एक बार फिर से नील से होती है, जो उसे अपनी पसंद की वाइन बताता है और गेमा भी उस वाइन को खरीद लेती है। इसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं जो ब्रेड की डिलीवरी करके अपने घर जा रहा होता है। तभी वो रास्ते में गेमा को कहीं जाते हुए देखता है, इसलिए वो वहां रुककर उसे देखने लगता है। मार्टिन वहां पर देखता है कि गेमा नील के घर पर जा रही है। अब ये देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है, पर फिर वो सोचता है कि शायद गेमा नील के पास वाइन पीने आई होगी। लेकिन उसकी ये सोच गलत होती है, क्योंकि इस रात जब वो गेमा के घर पर डिनर करने के लिए आता है, तब वहां पर वो गेमा के गले पर लव बाइट देखता है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि आज नील ने जरूर गेमा को घोड़ी बनाया होगा। अब ये देखकर मार्टिन सैड हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी गेमा को कब से घोड़ी बनाने के बारे में सोच रहा था और उसके साथ तगड़े वाला पलंग तोड़ना चाह रहा था। इसके बाद अगले दिन मार्टिन नील को देखता है, जो बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है। ये देखकर मार्टिन उसके पास आता है और उसे पूछता है कि क्या बात है, जिस पर नील उसे बताता है कि वो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। जिस पर मार्टिन उसे कहता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, क्योंकि वो उसकी पढ़ाई में मदद कर सकती है। अब इसके कुछ देर बाद मार्टिन गेमा को कहीं जाते हुए देखता है, और थोड़ी देर बाद मार्टिन और हम देखते हैं कि नील ने गेमा को अपने घर पर घोड़ी बना रखा है और उसके साथ तगड़े वाला पलंग तोड़ घपा घप कर रहा है। और इसी से ये बात भी साबित हो जाती है कि गेमा का नील के साथ सचमुच में अफेयर चल रहा है। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, और इन दिनों मार्टिन सिर्फ गेमा के बारे में ही सोच रहा होता है और बस उसे सोच सोच कर ही अपनी हाथ की गाड़ी चलाता रहता है। खैर, एक दिन गेमा बहुत खुशी खुशी मार्टिन की बेकरी पर आती है और उसे बताती है कि चार्ली कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। अब मार्टिन को समझ में आता है कि गेमा इतनी खुश क्यों है, क्योंकि चार्ली के जाते ही नील के साथ रोज पलंग तोड़ेगी। खैर, अब गेमा कुछ ब्रेड खरीदती है, पर जाते वक्त वो ब्रेड का एक टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है। इसके बाद मार्टिन उस ब्रेड को गेमा के घर पर देने के लिए जाता है, पर तभी उसे वहां पर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसको सुनकर वो वहीं पर चुप जाता है। फिर जब वो चुपके से खिड़की से देखता है, तब वहां पर गेमा नील के साथ घपा घप कर रही होती है, और फिर घपा घप के बाद गेमा नील को आई लव यू बोलती है, जिसको सुनकर मार्टिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब अगले दिन गेमा फिर से नील के घर पर घपा घप करने आती है, क्योंकि गेमा से तो अब नील के हथियार के बिना रहा ही नहीं जा रहा था। खैर, अब उसके घर से जाने से पहले गेमा नील से कहते कि हम दोनों को भागकर लंदन चले जाना चाहिए, जिस पर नील भी इसके लिए राजी हो जाता है। इसके बाद अगले दिन गेमा फिर से पलंग तोड़ने नील के घर पर जाती है, लेकिन तभी उसे बीच रास्ते में नील का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि वो उसके साथ लंदन नहीं जा सकता। अब ये मैसेज पढ़कर गेमा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते हुए वापस अपने घर पर चली जाती है। इसके बाद एक रात गेमा चार्ली को अपने अफेयर के बारे में बताने की कोशिश करती है, पर वो उसे बता नहीं पाती। अब यहाँ पर चार्ली को भी लगने लगता है कि गेमा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए वो गुस्से में कुछ दिनों के लिए वापस लंदन चला जाता है। अब इसके कुछ दिनों बाद गेमा की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक से होती है, और अगले सीन में ही मार्टिन उन दोनों को सड़क पर किस करते हुए देखता है, जिसको देखकर मार्टिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि गेमा एक ऐसी लड़की है जो किसी के लिए भी घोड़ी बन सकती है। अब अगले दिन पैट्रिक फिर से गेमा के घर पर आता है, और जब ये दोनों घर पर बातें कर रहे होते हैं, तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस आ जाता है, और जब चार्ली घर के अंदर जाता है, तभी वो बाहर आकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। अब ये सुनकर मार्टिन भी उसके घर के अंदर आता है और वहाँ पर वो गेमा को मरा हुआ देखता है, जिसको देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और वो गेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तब मार्टिन को पता चलता है कि गेमा की मौत उसके गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। फिर ये बात मार्टिन अगले दिन फ्यूनरल में चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे कहता है कि हाँ, गेमा की मौत इसी वजह से हुई है, क्योंकि जब वो घर पर गया, तब उसने पैट्रिक को गेमा को घोड़ी बनाते हुए देखा, जिसको देखकर उसे लगा कि वो गेमा के साथ जबरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। अब इसी दौरान पैट्रिक भी वहाँ पर आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि जब गेमा ब्रेड खा रही थी, तभी मैं पीछे से आकर उसे किस करने लगा, जिस वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गई, और फिर जब मैं ब्रेड निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी चार्ली भी वहाँ पर आ गया और गलतफहमी की वजह से हम दोनों में लड़ाई हो गई, और हम दोनों लड़ाई में इतने ज्यादा पागल हो गए कि हमें गेमा का ध्यान ही नहीं रहा और गेमा के दम घुटने से मौत हो गई। अब यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और फिर वहाँ पर हम मार्टिन के बेटे को देखते हैं, जो मार्टिन को बताते हैं कि हमारे पास एक रशियन कपल रहने के लिए आया है। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने जाता है, और इसी सीन को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।